और मनरेगा का मंत्री जी जो पढ़े हैं, जब वो खोलेंगे डेटा खोलेंगे तो लिंक तो है, ऑब्वियसली ये खुलेगा। और NIC किसी को केवल सरकारी होता है वेबसाइट, और किसी का तो होता ही नहीं है। अब मंत्री जी अज्ञानवश, हमको लगा कि आज जवाब लेकर के आए होंगे तो थोड़ा कल के मसले पे बात करेंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन मंत्री जी का इस तरह का कहना क्या मतलब रह जाएगा भैया। एक तो उन्हीं का वेबसाइट हम बता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि मंत्री को उसका वेबसाइट नहीं पता है। कल हम बार बार चीख चीख के यही ना कह रहे थे कि आप ही का वेबसाइट है, आप ही का वेबसाइट है। हम गलत होते तो हम वेबसाइट का जिक्र करते कि हम कहां से डेटा लाए हैं, हम कोई वेबसाइट का जिक्र ही नहीं करते। हम तो पूरा अध्ययन करके आते हैं, समझ के आते हैं, क्रॉस चेक करके आते हैं, ताकि बिहार के जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, सब लोगों की बात हम उठाएं, सब लोगों की। और आज तक हमने इतने साल से हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने देखा होगा जितने आंकड़े हमने पेश किए, अगर सरकार बता दे कि हम गलत है तो। और हमने तो आज सदन में भी साबित किया मोबाइल पे खोल करके कि सरकार का वेबसाइट है। और हमने ये भी बोला कि अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई हो, लेकिन मंत्री अगर मेरे पे आरोप लगाएंगे झूठा तो मंत्री को क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, अपने बोल को वापस लेना चाहिए, लेकिन मंत्री तैयार ही नहीं है। उनके अधिकारी समझा समझा करके, भाई एक बार नहीं 100 बार मंत्री ने पूछा, एक ही है, समझ में नहीं आता। अब मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं www.manrega.com, फिर उसमें कई लिंक आता है, एक लिंक को दाबिएगा तो जो उसका है वो manrega.com थोड़ी ना, नया पेज जो खुलेगा तो उसमें आएगा ना, अलग आएगा। डॉक्स का आता है तो DOCX आता है, जिसको कल में हम सदन में बोले। एक होता है जो अभी हम आपको बोले, Web4। ये तो आप लोग भी खोलिएगा तो हम खोल करके दिखा देते हैं। और मंत्री जी कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपको अपना विभाग नहीं समझ में आ रहा, आप रोजगार नहीं दे पाए, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आज खड़े होकर पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं। हम ही को झूठा साबित कर दिया। और हम तो आज भी कह रहे थे आप ही का वेबसाइट है, आप ही का है। मंत्री जी अपना ही आंकड़ा, अपना ही वेबसाइट मानने से इनकार करते हैं भाई। और इस तरह की बातें हम पे जो है आरोप लगाया गया, ये निंदनीय। तो क्या फायदा हमको सदन में जाने का? ये तो परंपरा बनती चली जाएगी। अगर आज मंत्री माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा कायदे से तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिहार का जनता देख रहा कितना अज्ञानी लोग भरे हुए नीतीश जी के मंत्रिमंडल में, और मुख्यमंत्री चुप है। कोई गलत बात बोले तो मेरे गलत आंकड़ों को झूठा तो बताओ। आप अपने ही विभाग को झूठ बोल रहे हैं, अपने ही वेबसाइट को झूठा बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं। यानी बड़ी बात हुई है जो कल सवाल हमने पूछा है, हड़कंप बचा हुआ है, और उनका क्लास हुआ है तो अपना भड़ास उतारे हैं झूठा आरोप लगा के। अरे कल इतना कुछ हो जाने के बाद भी जाकर के देख लेते भाई कि नेता विरोधी दल कौन सा डॉक्यूमेंट खोले। अब बताने वाला भी बेवकूफ है ना मंत्री जी, डॉक्स वाला है, वेब वाला है, ये तो manrega.com है, ये तो उल्टा बोल रहे। क्या अज्ञानी लोग भरा हुआ है भाई। इन लोगों के हवाले है बिहार, ये लोग बिहार चलाएंगे? ये 2022 है, ऐसे लोग के हाथ में सत्ता है जहां सदन के अंदर आके झूठ बोलता है? हुज ऑफिसर, हुज ब्यूरोक्रेट? आई एम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल, संसदीय प्रणाली में हम अधिकारी को नहीं जानते हैं, हम सरकार को जानते हैं, मंत्री को जानते हैं। वो होता है सरकार का प्रतिनिधि, मंत्री। आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन विद ब्यूरोक्रेट्स, फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर इन द हाउस, ही हैज टू आंसर, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। हमको क्या लेना देना अधिकारी को? फिर भी हमारा बड़ापन देखिए। कल तो हम चाहते तो हम उनको बोलते कि आप गुमराह कर रहे अपने डाटा से। हो सकता है मंत्री जी को कोई अधिकारी दे दिया होगा, फिर भी एक तरह से आप देखा जाए तो हम तो सरल भाषा में डायरेक्ट किए हैं।
और लीडर का काम क्या है, लीडर ऑपोजिशन का या ऑपोजिशन का भाई? सरकार को गाइड करना, अगर कोई गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और आप हम ही को, आप ही का डेटा लाए। अब आप बताइए, जो डेटा हम लेकर के आए हैं उतना हाउस होल्ड है कि नहीं? ये सारा डेटा जो हम लेकर के आए, बताओ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं 3 करोड़ से ऊपर, एक्टिव 2 करोड़ है कि नहीं है, ये सारा बताना ना पड़ेगा। ये सारा डेटा तो नहीं का है, ये तो बड़ा गलत है, ये फर्जीवाड़ा है। और हमने सदन में भी बोला कि भाई अगर हम गलत होते, हम गलत है तो मेरे पे कार्रवाई की जाए, खुल करके बोले। और हमने ये भी कहा अगर मंत्री अगर गलत बोले हैं, मेरे पे झूठा आरोप लगाए तो माफी मांगे या इस्तीफा दे। कल को एक मंत्री इस्तीफा, एक मंत्री आरोप लगा रहा, कल को कोई बोलता रहेगा, क्या मतलब रह जाएगा इस संसद का, आपके हाउस का, लोकतंत्र के मंदिर का भाई? जहां सही बात करने वाले को इस तरह से अपमानित किया जाता है, क्या मतलब रह जाएगा फिर? हम तो अध्यक्ष महोदय को कहे कि जब तक मंत्री, अब तो अध्यक्ष महोदय के सामने भी हम ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अधिकारियों को, ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव और उनके अधिकारी को बैठाएं, हम उनसे पूछवाएं, अरविंद चौधरी जी से, कि बताइए मेरा डेटा आप ही का पोर्टल है जो हम बोल रहे? तो बोले जी हमारा ही पोर्टल है। हम बोले नहीं, फिर से खोलिए मेरे सामने आईपैड पे, खुलवाएं, कंफर्म किए, फिर हम ले जा करके स्पीकर को दिखाएं कि वही वेबसाइट है। अब लेकिन कुछ लोगों को समझना ही नहीं है। फाइनली हुआ क्या मीटिंग? आगे क्या कर रहे थे मीटिंग में? हम तो बोले कि भाई, लोग बोले कि आइए साउथ में थोड़ा आप लोग मिल बात, हम बोले ठीक है हम तो आ जाएंगे। लेकिन मंत्री मंत्री ये बोल दें कि हम पे जो आरोप जो लगाया गया था वो गलत है, ये उन्हीं के विभाग का आंकड़ा है, उन्हीं का वेबसाइट से लिए है नेता प्रतिपक्ष, इतना ही लेना था। हमने तो अध्यक्ष को भी बोला अगर वो नहीं बोलते तो आप तो बोल दीजिए, आपके सामने निर्णय हुआ है, फैसला हो गया कि हम जो आंकड़ा लाए हैं या वेबसाइट जो हम खोले हैं ये सरकार का ही वेबसाइट है। और कोई इतना अज्ञानी कैसे हो जाता है, जब हम NIC तो भाई गवर्नमेंट का ही होता है। आप लोग आप बताइए विधानसभा का क्या है वेबसाइट, क्या है विधानसभा का लास्ट में क्या आता है? NIC तब नहीं, हम नहीं जाएंगे। मंत्री ने बताया वेबसाइट वही है, वही कागजवा जो हम लाए थे वही कागज है, फिर भी मंत्री जी देख रहे, समझ भी ना, बोल रहे वो आंकड़ा कल वाला आंकड़ा, तो उसमें तो कंफ्यूजन है। विभाग जो है, हम डिमांड का बात कर रहे हैं और वो जो है बात कर रहे हैं जनरेट एम्प्लॉइज का। हम बोले डिमांडेड 1,53,00,000 है कि नहीं है, तो बोले जांच का विषय देखेंगे। लेकिन आज ये तो विषय है, चलो जांच करते, तुम बोलते करते, लेकिन आज जो आरोप लगाया है, आज तो वेबसाइट पे थी कि हम गलत जगह से ला रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, उसमें तो माफी नहीं मांगेंगे। हम सदन नहीं जाएंगे जब तक अध्यक्ष महोदय इस बात को बोले, और जब तक माफी नहीं मांगेंगे मंत्री, कैसे भाई? ये बिहार की जनता आती है उम्मीदों से, उम्मीद है लोग को कि विधानसभा में जो है सही बात होगा, और वहाँ ये लोग ऐसे काम करेंगे तो क्या फायदा है फिर इस लोकतंत्र के मंदिर का, जहाँ हाईजैक लोग कर लिया है।